नमस्कार प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम प्लस टू क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर फाइव कॉन्टिन्यूटी एंड डिफ्रेंसिबिलिटी की एक्सरसाइज 5.1 कर रहे हैं हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही आसान सा है काफ़ी क्वेश्चन हम इस टाइप के कर चुके हैं पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटी देखनी है कहाँ पे हमारे पास तीन केस राइज two, के सराइज होंगे लेस देन टू ग्रेटर देन टू और इक्वल टू टू के ऊपर केस वन सोल्यूशन केस वन, एक्स इज लेस देन ए इज लेस देन क्योंकि हम ए पॉइंट पे लेते हैं वैन ए इज लेस देन टू हमें क्या दिखाना होता है लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए ये हमें चेक करना होता है तो मैंने ये फंक्शन डिफाइंड तो है डिफाइंड एक वैल्यू के ऊपर है ये हमारे पास क्यूबिक uh, इक्वेशन है ये क्वाडाटिक है तो लेस देन टू पे भी हमारे पास कॉन्टीन्यूस होगा ग्रेटर देन टू पे चेक कर लेते हैं लेस देन टू वैन ए इज लेस देन टू लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू एफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू एफ एक्स एक्स क्यूब माइनस थ्री लिमिट लेंगे तो हमारे पास बन गया ए क्यूब माइनस थ्री एफ ऑफ ए अगर आप लेंगे वैल्यू अगर हम पुट करेंगे इसमें फंक्शन में ए क्यूब ए क्यूब माइनस थ्री ये दोनों क्या हैं इक्वल है सो एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस किस पॉइंट की बात कर रहे थे वैन लेस देन टू के ऊपर हो गया केस टू केस टू वैन ए इज ग्रेटर देन टू ग्रेटर देन टू पे फंक्शन हमारा क्या है एफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्र प्लस वन चैक कीजिए लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू एफ एक्स एफ एक्स हमारा हो गया एक्स स्क्र प्लस वन लिमिट लेंगे तो क्या बन जाएगा ए स्क्वेयर प्लस वन हो गया एंड एफ ऑफ ए इज आल्सो ए स्क्वेयर प्लस वन दोनों इक्वल हैं सो हमारे पास एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूस हो गया अब हमारे पास तीसरा केस केस थ्री वेन ए इक्वल टू टू जब हमारे पास टू है तब यहाँ पे हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों लेनी पड़ेंगी लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे लिमिट एक्स टेंस टू ए नेगेटिव ऑफ एफ एक्स दैट इज लिमिट एक्स टेंस टू टू लेस देन टू के ऊपर हमारे पास फंक्शन ये है एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स की वैल्यू लिमिट लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा टू का क्यूब माइनस थ्री मीन्स एट माइनस थ्री कितना हो गया भाई फाइव हो गया राइट हैंड लिमिट और निकालिए राइट हैंड लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव एफ ओफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू टू पॉजिटिव ग्रेटर देन टू के ऊपर हमारे पास ये वैल्यू है एक्स स्क्र प्लस वन एक्स की वैल्यू लिमिट लेंगे तो यहां पे टू का स्क्वेयर प्लस वन दैट इज आल्सो फाइव टू का स्क्वेयर फोर प्लस वन ये भी फाइव हो गया तो सभी पॉइंटों के लिए एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस हमें क्या करना था डिस्कटिन्यूटी देर इज नो पॉइंट ऑफ डिस्कटिन्यूटी बहुत ही आसान था नो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटी चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व देखिए फंक्शन हमें दिया हुआ है एक्स की पावर टेन माइनस वन एफ एक्स इज लेस इक्वल टू वन एक्सर इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन डिफाइंड है सभी के ऊपर सॉल्यूशन यहां पे भी हमारे पास तीन केस अराइज होंगे केस वन वैन ए इज लेस देन वन जब लेस देन वन है तो हमारे पास फंक्शन क्या होगा एफ एक्स इज एक्स टू पावर टेन माइनस वन लिमिट एक्स टेंस टू एफ एक्स की वैल्यू लिमिट एक्स टेंस टू एफ एक्स हमारा है एक्स की टेन माइनस वन और ये वैल्यू क्या बन जाएगी ए की पावर टेन माइनस वन हो गया एफ ओफ एफ ऑफ ए इज a ए टू पावर टेन माइनस वन दोनों इक्वल हैं फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूस हो गया सभी वैल्यू के लिए जो लेस देन वन है एक से छोटे है ठीक है इसके बाद केस टू जब आपके पास ए ग्रेटर देन वन है वेन ए इज ग्रेटर देन वन तो क्या होगा एफ एक्स फंक्शन क्या है एक्स स्क्र ग्रेटर देन वन पे तो लिमिट एक्स टेंस टू एफ ऑफ एक्स एक्स टेंस टू एक्स स्क्र दैट इज ए स्क्वेयर आल्सो एफ ऑफ ए ट इज ऑल्सो स्क्वल हो गया एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस तीसरा केस पहले की तरह हमारे पास एट वन पे लेंगे हम केस थ्री वेन एक्स इजकल टू वन यहां पर हमारे पास स्लाइटली कम लेते हैं तो ये फंक्शन हो जाता है थोड़ा सा ज्यादा लेते हैं तो ये हो जाता है लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट पे अलग अलग फंक्शन डिफाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं हम लिमिट एक्स टेंस टू ए नेगेटिव ऑफ़ एफ एक्स दैट इज लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू वन नेगेटिव वन से कुछ भी कम करते हैं हमारे पास फंक्शन एक्स रेज टू पावर टेन माइनस वन वन वैल्यू पुट करेंगे लिमिट ले रहे हैं हम वन की पावर टेन माइनस वन दैट इज वन माइनस वन ज़ीरो हो गया यहाँ से हम राइट एंड लिमिट लेते हैं लिमिट एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव ऑफ एफ एक्स लिमिट टेंस टू वन पॉजिटिव वन से थोड़ा सा भी ज़्यादा लेंगे एक्स एक्सक्वियर हो गया हमारे पास फंक्शन एक्स एक्सक्वेयर लिमिट लोगे वन का स्क्वेयर वन विच इज नॉट इक्वल टू जीरो तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इजकल टू वन के ऊपर तो पॉइंट ऑफ डिसकंटीन्यूटी हमारे पास कौन सा हुआ ओनली एक्स इजकल टू वन बहुत ही आसान सा था चलिए अब इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं थर्टीन क्वेश्चन नंबर इफ द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स ये फंक्शन डिफाइंड है एक्स प्लस इफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू वन एक्स माइनस फाइव एक्स इज ग्रेटर देन अ फंक्शन क्या ये कॉन्टीन्यूस है अगर हम लेस देन वन की बात करें ये फंक्शन है विच इज़ अ पोलिनोमियल दैट इज लीनियर एक लाइन है कॉन्टीन्यूस होगी ग्रेटर देन वन पे भी हमारे पास एक लाइन होगी ये भी कॉन्टीन्यूस होगी चेक करने वाली बात है एक्स इजकल टू वन के ऊपर फंक्शन हमें दिया हुआ है सॉल्यूशन अगर मैं तीनों केस अलग अलग करूं, केस वन पे अगर हम बात करें केस वन वैन एक्स इज लेस देन वन ए तो क्योंकि हम ए के ऊपर चेक करते हैं क्या चेक करना होता है हमें लिमिट एक्सटेंस टू ए एफ ऑफ एक्स इज टू एफ ऑफ ए फंक्शन हमारा क्या होगा एक्स प्लस वन लिमिट एक्स टेंस टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव लिमिट लोगे तो ए प्लस फाइव हो जाएगा एंड एफ ऑफ ए दैट इज ऑल्सो ए प्लस फाइव इक्वल है तो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस किसकी बात कर रहे थे ए इज लेस देन वन के लिए केस टू वेन ए इज ग्रेटर देन वन तो लिमिट एक्स टेंस टू एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू एफ एक्स हमारा एक्स माइनस फाइव ए माइनस फाइव आल्सो एफ ऑफ ए दिस इज आल्सो ए माइनस फाइव क्या बना कॉन्टीन्यूस बन गया एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस किसके के लिए एज एक्स इज ग्रेटर देन वन के लिए केस थ्री ए इजिकल टू वन के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अलग अलग वैल्यू हो जाएगी लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स दैट इज लिमिट एक्स टेंस टू वन नेगेटिव एंड एफ एक्स लेस देन वन पे एक्स प्लस फाइव है सो एक्स प्लस फाइव टेकिंग लिमिट वन प्लस फाइव क्या हो जाएगा सिक्स हो जाएगा राइट हैंड लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव ऑफ एफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू वन पॉजिटिव फंक्शन हमारा एक्स माइनस फाइव है लिमिट लीजिए वन माइनस फाइव दैट इज इक्वल टू माइनस फोर लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट सो एफ एक्स इज नॉट कॉन्टीन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू वन के ऊपर ये कॉन्टीन्यूस नहीं है अगर हम अकेला इतना भी दिखा देते क्योंकि इन्होंने सिर्फ ये पूछा है इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन वन के ऊपर डिफाइन यहाँ पे वन पे ही बात कर रहा है ये तो कॉन्टीन्यूअस नहीं है एट एक्स इजकल टू वन पे क्वेश्चन बहुत ही आसान थे क्वेश्चन नंबर इलेवन ट्वेल्व थर्टीन के यहाँ पे सारे के सारे बहुत आसान थे और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी बहुत थे चलिए इस वीडियो में इतना ही नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं तब तक के लिए जय हिंद जय भारत